ऑल इज वेल। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, खबरों में आपको बताएंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चुनाव से महज 4 महीने पहले एक नई पोस्टिंग की है। टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम आखिरकार बना दिया गया है। 4 साल 8 महीने की सरकार चले जाने तक इसके बाद आखिरकार कांग्रेस ने यह फैसला क्यों लिया, ये भी सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है भी या नहीं, यही हाल कांग्रेस सरकार वाले 2 राज्यों में भी है। उन 2 राज्यों की जानकारी भी हम आपको देंगे। 3 तस्वीर चलिए पहले आपको दिखाते हैं, इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहली तस्वीर राजस्थान कांग्रेस के है, 2 दिग्गज अशोक गहलोत सचिन पायलट की ये तस्वीर आपको नजर आएगी। दूसरी तस्वीर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भूपेश बघेल सीएम को और टीएस सिंहदेव को आप देख पाएंगे। तीसरी तस्वीर कर्नाटक कांग्रेस के सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की है। और ये 3 तस्वीर अपने आप में कहानी बयां करती है कि कांग्रेस में क्या ऑल इज वेल है या नहीं। इन 3 कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में किस तरीके की खींचतान चल रही है आपको मालूम है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अदावत जो है वो कुछ नई बात नहीं है। गाहे बगाहे दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर जो है वो चलाते रहते हैं। 1 जुलाई को बताया जा रहा है कि बैठक होने वाली थी, वो बैठक टल गई है। दिल्ली की जगह चूरू के सालासर में 1 और 2 जुलाई को कांग्रेस के चिंतन शिविर के कारण इस बैठक को टाल दिया गया है। इस बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव पर मंथन का प्रोग्राम है। इसके अलावा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे जुबानी जंग पर कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। किस तरीके से सचिन पायलट अशोक गहलोत आमने सामने हैं और खुद अपनी ही सरकार की कमियां गिनाते सचिन पायलट नजर आते हैं, ये हम सबने देखा है। और ये राजस्थान की तस्वीर सामने आ रही है। राजस्थान में भी आने वाले दिनों में देखिए चुनाव होना है और इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा ये आप समझ सकते हैं। अभी तो हमारा जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, बाकी काम वो बताएंगे। अभी तो हमारा जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, बाकी काम वो बताएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर जब पूछा गया राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुजिंदर सिंह रंधावा से सवाल किया गया तो समाधान तो वो बता नहीं पाए। क्या कुछ कहा कि देखिए अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये रंधावा को भी पता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। महज 6 सेकेंड बात उन्होंने इस टॉपिक पर की जब सवाल उनसे पूछा गया कि आने वाले दिनों में चुनाव होना है और ऐसे में दोनों के बीच जो खींचतान है क्या वो खत्म होगी भी या नहीं, तो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिर्फ 6 सेकेंड कहा कि अभी कुछ ऐसा है नहीं, मतलब आगे वो देखेंगे। उनको पता है कि राजस्थान कांग्रेस में हालात क्या है। बात अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की करते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की सियासी लड़ाई पुरानी है। मुद्दा मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। जी हाँ, लंबे वक्त से टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री की कुर्सी के जिद पर अड़े हुए थे और अगर छत्तीसगढ़ के लोगों की आप बात मानेंगे तो टीएस सिंहदेव को ज्यादा पसंद करते थे वहां के लोग। मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार वो खुद को बताते आए थे। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की लड़ाई पर कांग्रेस आला कमान का डैमेज कंट्रोल जो है वो देखने को मिला है। टीएस सिंहदेव को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बनाया है, बनाया भी तो कब बनाया, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नई जिम्मेदारी पर टीएस सिंहदेव ने पार्टी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने इस पर तंज कसा है, कांग्रेस आला कमान को अब भूपेश बघेल की जरूरत नहीं। और जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े होंगे क्योंकि यहां भी चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम आखिरकार क्यों बनाया गया है। कांग्रेस के इस डैमेज कंट्रोल पर बीजेपी के आईटी सेल के आज अमित मालवीय ने कहा है कि अब कांग्रेस आला कमान को कर्नाटक जीतने के बाद भूपेश बघेल की जरूरत नहीं है। सुनिए जरा कि अमित मालवीय ने क्या कुछ लिखा है ट्वीट में, वो हम आपको दिखाते हैं। अमित मालवीय का ये ट्वीट देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्त जो है वो किया गया है और ये मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, मुख्यमंत्री बनाने की मांग थी। यहाँ डिप्टी सीएम पर एडजस्ट एक तरीके से समझिए किया गया है, बहुत अधिक परेशानी वाला है क्योंकि ये सीएम भूपेश बघेल के संवैधानिक जनादेश को हथियाने वाला है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी निशाना साधेगी और यही अमित मालवीय ने किया है। कर्नाटक से पहले बघेल कांग्रेस को फंड देते थे लेकिन कर्नाटक जीतने के तुरंत बाद
फंडिंग का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध होने के बाद उनके कद में कटौती करनी पड़ी। ये गांधी परिवार द्वारा एक क्षेत्रीय क्षत्रप और एक ओबीसी नेता का तब तक उपयोग करने का मामला है, मतलब जब तक काम चल रहा है तब तक आपका उपयोग करेंगे, उसके बाद तो हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है। जब तक ये सुविधाजनक तो ठीक था, फिर छोड़ दिया गया। क्या अब टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा? जाहिर सी बात है, ये नाम टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा नाम है और पता है सभी को कि टीएस सिंहदेव का वहां पर जनाधार क्या है, क्योंकि बघेल पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप है और वो एक बोझ बन गए हैं। ये शब्द देखिए, बोझ बन गए हैं। क्या वाकई में भूपेश बघेल कांग्रेस के लिए बोझ बन गए हैं? ये सवाल क्यों खड़ा होता है? क्योंकि टीएस सिंहदेव को जो है डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और जाहिर सी बात है यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में क्या ऑल इज वेल है भी या नहीं।